उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। बोर्ड की परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रदेश के सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का निरीक्षण करने के लिए कंट्रोल रूम पहुंची। इससे पहले ही परीक्षा इस बार बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 58,50,745 बच्चे इस बोर्ड परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं और प्रत्येक बच्चों पर नज़र रखी जा रही है और उसके साथ ही हर कमरे में ऑडियो सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिनमें परीक्षा दे रहे बच्चे अगर आपस में बात करते हैं तो वो भी कंट्रोल रूम में सुनाई देगा। हमने निरीक्षण किया है, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जिले में और जिले के प्रत्येक विद्यालय में हमने देखा है, सब एकदम अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तक की व्यवस्था है कि अगर बच्चे आपस में भी बात करेंगे, वो भी इनके कानों में ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि वो पता लग जाएगी कौन बच्चा क्या। बहुत पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें कोई बच्चा नकल कर नहीं सकता।